जी, आज हम बात करें घुटनों के दर्द। अच्छा अच्छा इसकी रीजंस बहुत सारे हो सकती हैं, कोई इंजरीज भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाए या एज साइन भी हो सकता है कि उम्र की वजह से भी आपके घुटनों में दर्द हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कोई भी वजह हो। वजह कोई भी हो, ये जो मैं आपको हर्ब्स बता रही हूँ ये यकीनन आपके दर्द को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। अब तो डॉक्टर भी इस जवानी में ही आप जब नमाज पढ़ते हैं तो वो उठते बैठते जो है ना, अब तो वो मीम्स बनना शुरू हो गई, क्रच क्रच की आवाज़ें आती हैं जी बिल्कुल आपके घुटनों में से, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये जी बिल्कुल खराबी। देखिए सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नजर आओगे जो आप खाओगे। जो हम अपने साथ खाने पीने में ग़िज़ाओं में जो हम कमी और ज्यादती करते हैं वो भी एक वजह है नी फ्लूट को और कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है। किसी बीमारी में कोई भी अद्वियात खाते हैं और आपने कहा कि अगर ये फॉलो करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे। अगर नहीं, अगर इनिशियल स्टेज पर हैं तो मैंने एक साबूदाना का भी नुस्खा बताया, वो भी करना है, उसके साथ ये भी करना है और एक कहवा बना के पीना है और एहतियात भी करनी है। ठीक है बताइए। अच्छा देखिए, सफेद मौसली, छोटी हर, अजगन नागोरी और सुरंजान शीरी, चारों हर्ब्स लेनी है। मुश्किल नाम दोबारा से, सफेद मौसली, सफेद मौसली, ये तो ऐसा लगता है बंगाली भाई कह रहे हैं मौसली वाली, सफेद मौसली, छोटी हर, छोटी हर जी, छोटी हर, अजगंध नागोरी, अजगंध नागोरी, सुरंजान शीरी, ठीक है चलें, सुरंजान शीरी, सुरंजान शीरी, इससे होम्योपैथिक में दवा भी बनती है, कॉल्चिकम के नाम से उस फैमिली से बिलोंग करता है और ये आपके दर्दों को कम करने में आपकी नाम मदद सामने चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर खींच लें ताकि आपको याद रहे और वही तस्वीर जाके पंसारी को दिखा दीजिएगा। ये चारों चीजें आपने हम वजन लेके, मैंने तवे पे क्यों रखा है, हम क्या करते हैं फौरन से इसको ग्राइंड कर लेते हैं जिससे आपका ग्राइंडर जो है खराब हो सकता है। ओके हल्का सा इनको गर्म कीजिए फिर आप ग्राइंड कर लीजिए जी, हल्का सा भूनना है ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा खाने का तरीका है कि आधा चम्मच हाफ टी स्पून एक कप दूध के साथ नाश्ते के एक घंटे बाद, आधा टीस्पून रात सोने से पहले एक कप दूध के साथ आपने पीना है। सही। और उसके अलावा कहवा बना के पीना है, अदरक और सफ़ेद ज़ीरा। सही। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका, उसकी वजह से भी घुटनों में प्रेशर आता है, दर्द होता है, तो वो जो क्रिस्टल पार्टिकल्स आपकी हड्डियों के गिर्द जमा हो जाते हैं उसको ख़त्म करने में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है। और आपने लीमू का रस नहीं पीना जिनके भी घुटनों में दर्द होता है, याद रखिए। यानी ओवरऑल लीमू को अवॉइड करना है, लेमन अवॉइड करना। अच्छा। है स्पेशली 40 प्लस में आपको लेमन अवॉइड करना है। आप इमली इस्तेमाल कर सकते हैं, टार्टरी आपने नहीं करना, टार्टरी अगर लेमन से बना है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, फूड कलर आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भाई, आज तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, घुटनों का दर्द पूरे पाकिस्तान का मसला उसका।